Hello students, in the last episode we did present perfect tense. Now we are going to do present perfect continuous tense. Let's start. सबसे पहले इस टेंस का रूल की अगर बात करें, इस टेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ए फॉर प्लस टाइम। ये इस टेंस का रूल है, इसे आपको याद करना है। अब आप ये देखें, इसके अंदर हैज़ या हैव प्लस बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है। आपको पता है हैज़ कब लगाते हैं, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तब हैज़ लगाएंगे, और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम हैव लगाएंगे। उसके साथ बीन ऑफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हमें लगानी है। फॉर एग्जांपल, मैं एक हिंदी में एक सेंटेंस लिख देता हूँ, वे 5 दिन से भटक रहे हैं। वे 5 दिन से भटक रहे हैं, इसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, देखिए तो क्या बनेगा, दे हैव बीन वांडरिंग फॉर 5 डेज। यानी कि हमें सिंस फॉर के बाद में टाइम लगाना है, तो दे हैव बीन वांडरिंग फॉर 5 डेज। अब बात करते हैं इस टेंस की एडवर्ब्स की। एडवर्ब्स इस टेंस की बहुत ही इजी है याद करने में, याद रखें सिंस या फॉर प्लस टाइम या फिर ऑल डे ऑल नाइट। यदि आपको सेंटेंस में सिंस या फॉर के बाद टाइम मिल जाए या फिर सेंटेंस में ऑल डे या ऑल नाइट आपको मिल जाए, तो आपको तुरंत ये बात समझ जानी है कि हमें उस वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाना है, मतलब हैज़ या हैव के बाद बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्लियर? अब हम एग्जांपल करते हैं इस टेंस के। नंबर 1, इट डैश रेन ऑल नाइट। अब आप देखिए एग्जाम में ये सेंटेंस आपके आ गया, इट डैश रेन ऑल नाइट। अब आप ये देखेंगे कि इस सेंटेंस में कहीं कोई एडवर्ब है या नहीं है। आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस सेंटेंस में ऑल नाइट लिखा हुआ है। ऑल नाइट से आपको ये पता लग गया कि हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाना है। तो इट के साथ क्या लगेगा, हैज़। यहाँ क्या आ जाएगा, इट हैज़ बीन रेनिंग, इट हैज़ बीन रेनिंग ऑल नाइट। क्लियर? एक और एग्जाम्पल करते हैं। शी डैश वेट फॉर मी फॉर 2 आवर्स। She dash wait for me for 2 hours। इस सेंटेंस में आप देखिए कहीं कोई एडवर्ब है या नहीं है, तो आपको पता लग गया होगा इस सेंटेंस में एडवर्ब है, कौन सी है। मैंने कहा था कि सिंस या फॉर के बाद टाइम यदि आ जाए तब भी हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाना है। तो इसमें आप देखें ये लगा हुआ फॉर, और फॉर के बाद हमें क्या मिल गया, टाइम भी आ गया। सिंस या फॉर के बाद टाइम आ गया तब हमें यहाँ पर टेंस कौन सा लगाना है, यही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हैज या हैव के बाद बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो शी सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या लगेगा, हैज। शी हैज बीन वेटिंग
शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स। तो बड़ा ही आसान सा सेंटेंस ये टेंस था, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, बहुत इजी है, ध्यान से करना है। और ये आपका टेंस जो है कंप्लीट हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अगली बार अगले एपिसोड में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस करेंगे। आप आराम से इसे आप देख के अपनी फेयर नोटबुक में आप इसको नोट करना है। और फेयर नोटबुक में नोट करने के बाद आपको वापस आपको उसी ग्रुप में आपको वापस इसे भेजना भी है। और सबसे मेन एक बात यह है कि इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को जब आप सब्सक्राइब करेंगे उसके साथ में एक बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को प्रेस करें, उसमें ऑल ऑप्शन आएगा, उसको ऑन कर लें कि ताकि जब भी नया वीडियो बाल निकेतन स्कूल के चैनल पे अपलोड किया जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। थैंक यू।